हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सब कैसी हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ सीम की सब्जी रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ली कटा हुआ सीम, कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ गाजर, कटा हुआ आलू, दो कच्चा मिर्ची, हरे मटर, कटा हुआ धनिया पत्ता, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, कश्मीरी मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ऑयल, पचफोरन ली हूँ। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गर्म हो गई है, अभी पचफोरन डाल रही हूँ, कटा हुआ सीम, हरे मटर, कटा हुआ आलू को डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। वो भी थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ। थोड़ी सी पानी में थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ। एक चम्मच हल्दी पाउडर डाली हूँ, एक चम्मच धनिया पाउडर डाली हूँ, एक चम्मच जीरा पाउडर डाली हूँ, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाली हूँ, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाली हूँ। अभी कढ़ाई में कटा हुआ टमाटर को डाली हूँ। वो भी मिला हुआ मसाला को डाल रही हूँ। मसाले को अच्छे से पकाएंगे। वो भी मसाला में फ्राई किया हुआ सब्जी को डाली हूँ, अच्छे से मसाले के साथ पकाएंगे। दो कच्चा मिर्ची डाल रही हूँ। वो भी कटा हुआ गाजर को डाल रही हूँ। वो भी कटा हुआ धनिया पत्ता डाली हूँ। धनिया पत्ते के साथ अच्छे से मिलाएंगे। अच्छी से सब्जी पक गई है। न्यू रेसिपी सीम की सब्जी तैयार। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टाइलिश कुकिंग प्याली।